फ्रॉम जी न्यूज, सुभाष चंद्र हमारे चेयरमैन है, उनके साथ आपको शो करते मैंने फर्स्ट टाइम देखा. मे बी आई वॉज इन माई ओन न्यूज एंड बुलेटिन, बट मैंने आपको टेलीविजन पे ही देखा. सो देख हु इज दिस मैन, मतलब सर तो हमारे इतना खड़े हैं और आप इतना हिल हिल के बोल रहे थे. तारीफ हो रही है, ताली बजा के रोक रहे हो उनको यार, हद है यार. जस्ट वन थिंग, बाकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है. You don't have any stress in your life. नहीं, problems तो बहुत है, stress नहीं है. मतलब नहीं है, ऐसा लगता नहीं आपको देख के, that you know कुछ भी हो आपकी life में कोई problem ही नहीं है. Problems हैं, आपने गलत बोला क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ. तो problems हैं, stress नहीं है. आराम से हल्की पुल्की तरीके से निकलता रहता है. Manage with the situation, because I think बहुत सारी situation में बहुत सारा stress अपने आप आ जाता है. So मैं manage with that. मैं लेता ही नहीं stress. जैसे कोई किसी को कुछ देता है उसकी मर्जी ना, वो लेना ले, मैं नहीं लेता. नहीं मुझे नहीं चाहिए. मैं जब आज यहाँ आ रही थी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं आपसे ये सवाल करूँगी वो सवाल करूँ, क्योंकि आपके वीडियोस में सब कुछ कवर हो ही जाता है, जो भी जानना. मुझे बस आपने जो आपका जो लाइफ चेंजिंग वीडियो था, उसमें आपने एंड में कहा था ना, कभी अगर मुझे कुछ देना हो तो आप किसी गरीब को खिला देना. यू नो दैट सेंटेंस टच्ड माई हार्ट. तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे एक दिन इस इंसान से मिलना है और इसको कुछ खिलाना है. मैं हाजिर हूँ, खिला दीजिए. हे प्रभु, आप साक्षात इनके रूप में आ गए हैं. कहाँ हैं? हाय सर, लास्ट 8.5 months पहले जो हुआ मेरे साथ, लाइक दैट हैज कम्प्लीटली शैटर्ड माई लाइफ लाइक एनीथिंग. दैट वॉज द डिमाइज ऑफ माई बिलवड वाइफ एक्चुअली. सो शी डाइड ऑफ the brain stroke, the medical term brain aneurysm कहते हैं उसको. So after giving the birth to the baby girl, she died. Like 10 दिन की थी जब मेरी बेटी, तो she passed away. तो उसके बाद 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, because it was a love marriage. So bonding बहुत ज़्यादा strong थी. Every time I used to cry and all, वैसा होता है जैसे. तो that was the scenario. किसी ने बोला संदीप महेश्वरी जी का वीडियो आप देखो, शायद कुछ हेल्प मिले. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोज़. आपके एक वीडियोज़ में था कि खुश रहना सीखो, आप खुश नहीं हो तो आप दूसरों में खुशी कभी नहीं बांट सकते हो. लाइकवाइज कि अगर आप अपना केयर नहीं कर सकते हो तो आप क्या खाक किसी का केयर करोगे. सो इट्स लाइक कि मैं खुश रहने लग गया और ये लाइफ में मेरे चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया. ये लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ मैंने आपके देखे. तो जब अकेले में आपको ऐसे याद आती है वो सब होता है, जो भी पुराने जो मोमेंट्स थे और वो सब, उस वक्त क्या करते हो फिर? तो मुझे आपकी वो वीडियो याद आती है कि कोई भी पास्ट आपका इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है, या कोई पास्ट आपके प्रेजेंट में आके उसको हार्म नहीं कर सकता है. तो बहुत हद तक निकल चुका हूँ, बट सर मैं चाहते नहीं चाहते हुए आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ. पूछिए सर, ऐसा क्या चीज़ किया जाए जो परमानेंट ओवरकम कर जाऊँ? दिस वॉज अ लव मैरिज, राइट? इसका मतलब आपने प्यार को एक्सपीरियंस किया. कितने लोग हैं इस दुनिया में जो प्यार को जेन्युइनली डीपली एक्सपीरियंस कर पाते हैं? इसको इस तरीके से मत देखो कि ये क्यों हुआ, इसको इस तरीके से देखो कि ये हुआ. आई एक्सपीरियंस्ड व्हाट लव इज. इससे बड़ी और क्या चीज है? क्योंकि वो भूख तो कभी खत्म होती ही नहीं है कि और थोड़ा सा हो जाता, और थोड़ा सा. कभी ना कभी तो होना ही है, सबके साथ में होना है, अलग तो होना ही है. तो ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया. इंपॉर्टेंट यह है कि क्या वो क्वालिटी टाइम था. इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, साथ में रह रहे हैं लेकिन खुश नहीं है. आप जब तक साथ में रहे, खुश रहे, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? सो यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्संस ऑन दिस प्लैनेट. मेरी दिली ख्वाहिश तमन्ना थी कि जब मैं आपके साथ 1-to-1 हूं, लाइव हूं कभी, तो मैं ये क्वेश्चन खुद सामने से पूछूं, और उसका आंसर आपने बहुत अच्छे से मुझे दिया. सो रियली थैंक, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.